201 में टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0, a एंड 0, a. तो यहाँ 0, a एंड 0, a वाई एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे चार्ज भी माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज भी माइनस क्यू है, ठीक है। ये भी आपको ए दिया हुआ है, ये भी आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि 2a डिस्टेंस दूर है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, वैसे ये नेगेटिव भी इस पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये क्योंकि रेस्ट से आप छोड़े थे, तो रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो जिस तरफ फोर्स होता है उसी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहेगी। जैसे ही ओरिजिन को क्रॉस करेगा प्लस क्यू, तो इस तरफ पहुँचते साथ ही अब जा तो रहा है उस तरफ, लेकिन अभी फोर्स उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी के अपोजिट। क्यों? क्योंकि अभी भी पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो अब फोर्स इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कभी ना कभी ये रुकेगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। आप अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से छोड़ोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज आगे पीछे चलता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ से यहाँ के बीच में टर्न लेगा, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट करते 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 यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर जाते जाते यहाँ पे रेस्ट पाएगा, फिर उल्टा चलना स्टार्ट करेगा, फिर स्पीड सबसे ज़्यादा होगा ओरिजिन पे, फिर रेस्ट पाएगा एंड सो ऑन। तो ऑसिलेटरी तो है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे होना मतलब ऑसिलेटरी मोशन करना, ठीक है। लेकिन SHM है क्या? SHM नहीं है, वो प्रूव कर सकते हम लोग, देखो क्यों। SHM होने के लिए क्या होना चाहिए? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है ना, वो तो ऑफकोर्स ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन ही है ऐसा जगह, यहाँ पे इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो आएगा, ठीक है। बाकी सब जगह में जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मीन पोजीशन तो हमें पता चल गया ओरिजिन है, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर जब ये चार्ज है तब इससे फोर्स कितना लग रहा होगा देख लेते हैं। तो ये मान लो अगर एफ लगा रहा है या एफ डैश लगा रहा है, ये थीटा है, तो कितना फोर्स लगेगा? 2f' cos θ, क्योंकि दोनों का f' लगेगा ना, और रिजल्टेंट तो आ जाएगा 2f' cos θ, ठीक है। तो आपको नेट फोर्स यही होगा, है ना। f' कितना होगा? k q1 q2, f' निकालने के लिए k q1 q2 प्रोडक्ट देख लो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? ये डिस्टेंस में बोल रहा हूँ x है, और ये डिस्टेंस को दिया हुआ a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a² + x² का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाय ये, ठीक है। तो आपका एफ नेट हो गया ये 2kqx² + x² / 3/2, ये हो गया एफ नेट, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब क्या होता है? ये मत सोचना एक्स को बढ़ाने से बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब क्या? यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आना चाहिए और बाद में एक्स दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए एक्स के अलावा बाकी टर्म्स, तो एक्स के अलावा जो बाकी टर्म है वो खुद एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो ना। एक्स के अलावा जो बाकी टर्म है उसको आप अगर ब्रैकेट में रखो ऐसे, तो पूरा टर्म में तो खुद एक्स दिख रहा है, तो आप एक्स चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, तो कॉन्स्टेंट रह नहीं सकता। जैसे यहाँ पे आप एक्स चेंज करोगे तो क्या 10 चेंज होने वाला है? नहीं, ठीक है। एक्स को चेंज करेंगे तो 10 तो 10 रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक्स को चेंज करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म चेंज होगा, ठीक है। तो एफ नेट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब SHM तो नहीं है, ऑसिलेटरी है लेकिन SHM नहीं है। आगे पीछे होना मतलब ये नहीं कि SHM होना, ठीक है। इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑसिलेटरी है। एट ओरिजिन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा सही है, एग्जीक्यूट सिंपल आर मोशन गलत है, ठीक है, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 201। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 202 मीडिया, हाँ 202 कहाँ गया? यहाँ है ना, हाँ न्यू, ये ऑयल ड्रॉप। तो आपके पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका चार्ज दे दिया है, ठीक है, माइनस में ऑफकोर्स, है ना, यहाँ माइनस साइन था। मास दे दिया है, ध्यान देना ये तो चार्ज ऐसा यूनिट में मास, लेकिन ग्राम में, ऐसा यूनिट नहीं है, है ना। तो जब वो गिर रहा है तो उसके ऊपर एयरेशन का फोर्स लग रहा है, मतलब जब भी मूव कर रहा है उसके ऊपर एयरेशन का फोर्स लग रहा है। रेजिस्टेंस है मतलब वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक है। तो भले अगर आप विस्कस फोर्स नहीं पढ़े हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि एयरेशन का फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है।
ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ड्रॉप को हम लोग ऊपर चढ़वाने लगते हैं। पहले तो ड्रॉप नीचे गिर रहा था, तो मैं दो सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, एक लाइन खींच के। फर्स्ट केस जब ड्रॉप नीचे जा रहा है, सेकेंड केस जब ड्रॉप ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट केस में ड्रॉप नीचे जा रहा है, ठीक है। ड्रॉप के ऊपर फोर्सेस देखेंगे, याद रखना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, ठीक है। तो ड्रॉप के ऊपर अगर फोर्सेस देखे तो एक बार चेक कर लेता हूँ, बताइए। लेक्चर में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डर ही ऑन नहीं किया था, इसलिए मैं चेक कर लिया एक बार। चलो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, अच्छी बात है। वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो विस्कस फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। उसको मैं एफ वी से डिनोट कर रहा हूँ, विस्कस, वी से विस्कस, एफ इंटू वी नहीं, एफ वी डिनोशन है ना। एम जी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, और फर्स्ट केस का आपको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एफ वी इक्वल टू एम जी, ठीक है। सेकेंड केस में वेलोसिटी आपको बोल दिया ऊपर है और कॉन्स्टेंट है। सेकेंड केस में अगर फ्रीबॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है तो विस्कस फोर्स नीचे होगा, है ना। और आपको याद रखना है कि विस्कस फोर्स सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट केस में एफ वी लिए थे, सेकंड केस में भी एफ वी ले रहे, ठीक है। एम जी तो वेलोसिटी जाए किस तरफ भी, एम जी तो नीचे एक्ट करेगा। अब सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स जीरो ना है, दोनों केस में नेट फोर्स तो जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, वही तीसरा फोर्स और आखिरी फोर्स बचा हुआ, उसको ऊपर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो होने के लिए एफ वी इक्वल टू एम जी प्लस एफ बी, और एफ बी का वैल्यू आपको पता है एम जी है, तो ये टू एम जी हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आया वो टू एम जी के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नीट्यूड में होता है क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू ई, तो ई हो जाएगा टू एम जी बाय क्यू का मैग्नीट्यूड, टू एम जी। एम कितना था, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 ग्राम, मतलब माइनस 18 किलोग्राम, ठीक है। ऊपर देख लो वैल्यू, इंटू जी डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मुझे डायरेक्शन तो पता है ऑलरेडी, मैं खाली मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्ट हूँ। 16 × 2 = 3, तो 100/3 न्यूटन पर कूलम, 100/3 सी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं अभी तक, लिख दूंगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड, अब याद रखना चार्ज आपका नेगेटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे होगा ना। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा तभी तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऊपर लगेगा, तो डाउनवर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डी ऑप्शन तो दिख नहीं रहा हमें, डी ऑप्शन में यहाँ से लेना भूल गया शायद, हाँ डी ऑप्शन में वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा वैल्यू दिया हुआ जो कि गलत है, हम लोग देख लिए। सी ऑप्शन तो सही था, है ना, यानी बी और सी सही है, ठीक है। बी तो सही है नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन 202। मूविंग ऑन 203, ये नीचे, ये तो थ्योरेटिकल है, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज इंक्रीजेस। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो पीक आता है वो सरफेस पे आता है ना। तो आप देख सकते हो जैसे सेंटर से आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, पहले तो बढ़ रहा है जब तक आप इनसाइड द स्फीयर हो, लेकिन जैसे आप आउटसाइड द स्फीयर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है। घट रहा है ना, देखो घट रहा है, ग्राफ का हाइट कम हो रहा है। तो इंक्रीज होगा जब हम लोग कैपिटल आर से छोटे डिस्टेंस में, मतलब स्फीयर के अंदर है, और डिक्रीज होगा जब कैपिटल आर से बड़े डिस्टेंस पे, यानी स्फीयर के बाहर, ठीक है। इस कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस है, आर गलत है, यहाँ तो कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन डी गलत है। डिक्रीजेस जीरो से इन्फिनिटी तक डिक्रीज हो रहा है, ये जीरो है ये इन्फिनिटी है मान लो, तो ये डिक्रीज कहाँ हो रहा है, हमेशा पहले तो इंक्रीज हुआ है ना फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो R से इन्फिनिटी तक डिक्रीज हुआ ये बोलते तो सही होता है ना, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ये था 203, ये क्यों आ गया, हाँ 204 देखते हैं अब। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज और मास दे दिया है वो पॉइंट ए पे एंटर कर रहा रीजन को और पॉइंट बी पे एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी, बस इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच आपको मोशन देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वगैरह पूछा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है
ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन देख के आपको पता चल जा रहा है कि इनिशियली जो है आपके पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए आप देखोगे तो वी जे कैप है, और वेलोसिटी एट पॉइंट बी में आई कैप वाला पार्ट भी है और जे कैप वाला पार्ट भी है, लेकिन लेकिन जे कैप वाला पार्ट फिर से वही है, तो जे कैप वाला पार्ट में चेंज नहीं आया है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। ठीक है, अगर आप ए से बी का टाइम निकालोगे, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, तो वाई के अलॉन्ग तो कोई एक्सेलेशन नहीं, क्योंकि वाई वाला वेलोसिटी आप देख सकते हो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वाई के अलॉन्ग कोई एक्सेलेशन नहीं, वाई के अलॉन्ग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, तो y के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट और y के लॉन्ग का वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी मिल जाएगा। y के लॉन्ग याद रखना यूनिफॉर्म टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है, तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ए टू बी के में इतना है, और इसमें y के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट है डी, और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई कितना है बी, तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इतना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। मुझे कैसे पता है ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आप बोलोगे सर जब एक्सेशन कॉन्स्टेंट तभी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब मुझे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब चार्ज पार्टिकल फोर्स जो लगेगा यूनिफॉर्म लगेगा, और यूनिफॉर्म फोर्स मतलब एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, यहाँ पे एक्स के लॉन्ग, मैं एक्स के लॉन्ग देख रहा हूँ, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है जीरो, पूरा का पूरा वाई के लॉन्ग इनिशियली, है ना, ये जीरो है, हाफ एक्सेलेरेशन इंटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स कितना है आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स है आपका ए, ठीक है, 2a माइनस ए ए दे देगा, ठीक है, तो ये ए, ए मतलब एक्सेलेरेशन नहीं है ना, तो आपका एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स का कॉम्पोनेंट कितना आ गया 2a v स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स, ठीक है। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, अब तो काम बन गया अपना, एक्सेलेरेशन इतना है, ठीक है, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, याद रखना ए वाई तो जीरो है, तो कल ही ए एक्स ही हो जाएगा, तो 2ma v स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब एक्सेलेशन को अगर कंपोनेंट में लिखे मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एक्सेलेशन आपका यही चीज़ होगा लेकिन आई कैप, ठीक है, तो फोर्स लिखना है तो मास इंटू एक्सेलेशन तो दिस इंटू आई कैप आ जाएगा, है ना। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो चार्ज से डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए, चार्ज है माइनस ई, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2ma v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई डी स्क्वायर नेगेटिव साइन, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट बी, तो रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। अब रेट ऑफ वर्क डन मतलब होता है पावर, तो पावर एट पॉइंट बी पूछा है, तो मतलब फोर्स एट पॉइंट बी डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है। आपको पता है कि फोर्स तो खाली एक्स के अलॉन्ग ही है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट में खाली एक्स वाला कॉम्पोनेंट को ही लिखना है, ठीक है, तो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट एट पॉइंट बी का एक्स कॉम्पोनेंट, वैसे फोर्स का कॉम्पोनेंट एट पॉइंट बी का एक्स कॉम्पोनेंट जो कि नेट फोर्स ही होगा, ठीक है। अब फोर्स का वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, फोर्स था इतना, ठीक है, तो पूरा एक्स के अलॉन्ग ही है, तो मैग्नीट्यूड है 2ma v स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट एट पॉइंट एक्स, है ना। अब वेलोसिटी एट पॉइंट एक्स कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दो, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स तो जीरो है, ठीक है, ए पे जीरो था ना, एक्सेलेशन कितना आया था मैग्नीट्यूड में, एक्सेलेशन आया था 2ma v स्क्वायर डी स्क्वायर, यही था ना, देख लो यहाँ पे 2ma v स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेलेशन 2ma v स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी, और टाइम का वैल्यू आपको याद है, टाइम का वैल्यू आया था ए डी बाय वी ना, टाइम का वैल्यू कितना आया था डी बाय वी, है ना, टाइम था डी बाय वी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी कर सकते हो, तो ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वैसे भी कर सकते हो, तो मैं vx वाला फॉर्मूला लगाया, vx स्क्वायर इक्वल v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो d से d गया v से v गया, तो 2ma v बाय डी, ठीक है, समझ में आई बात, यही आपका हो गया 2ma v बाय डी, 2ma v बाय डी, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 4a स्क्वायर v क्यूब m बाय डी क्यूब, ये हो गया पावर एट b, ठीक है, तो 4a स्क्वायर v क्यूब m, 4a स्क्वायर v क्यूब m बाय डी क्यूब, सही है, ऑप्शन बी, रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट a, पॉइंट a पे वर्क डन निकालना है, तो पावर एट पॉइंट a निकालो, पावर एट पॉइंट b, तो फोर्स एट पॉइंट सॉरी a इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट a, ठीक है, क्योंकि फोर्स का सिर्फ x कॉम्पोनेंट है, तो हम लोग खाली x वाला पार्ट लेंगे,
लेकिन वेलोसिटी का कंपोनेंट एट पॉइंट ए अलोंग एक्स कितना है, जीरो है, क्योंकि जब इनिशियली स्टार्ट कर रहा था उसके पास खाली वाई के अलोंग वेलोसिटी था, ए पे तो सिर्फ वाई के अलोंग वेलोसिटी है ना, ए पे एक्स के अलोंग वेलोसिटी तो है ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ था। तो सी जीरो सही है। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे वेलोसिटी का आई पार्ट और जे पार्ट आपको पता है, पॉइंट बी पे देखो आप डायग्राम से दिख रहा है, जे वाला पार्ट तो बी है, तो जे वाला पार्ट तो सही है, आई वाला पार्ट अभी जस्ट निकाले थे आपको याद होगा, तो बी एक्स बी निकाले थे ना, बी एक्स बी ये टू ए वी बाई डी, ठीक है, निकाले तो थे अभी, यही टू ए वी बाई डी बहुत बार निकाल चुके हैं ना, टू ए वी बाई डी आ तो रहा है, टू ए वी बाई डी, ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही है। ये था क्वेश्चन नंबर कितना था, 204। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, यहाँ स्पेस दे दो, ये बेकार लग रहा है, हाँ 205। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला अब थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज, मैं समझाया हूँ अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, थ्योरी वाले लेक्चर्स में, पोटेंशियल वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे उसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला पार्ट में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला पार्ट में इस चीज़ को मैं समझाया हूँ कि आपका जीरो पोटेंशियल का चॉइस या कोई कन्फिगरेशन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी असाइन करने का चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगा चेंजेस वाली चीज़ें, चेंजेस वाली चीज़ें मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगी, सब डिफरेंस वाले या चेंजेस वाली चीज़ें डिपेंड नहीं करेगी, बाकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट डिपेंड करेगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये सब चीज़ें डिफरेंस या चेंज वो सब डिपेंड नहीं करती, ठीक है, चॉइस ऑफ रेफरेंस पे, है ना। ये था 205, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 206। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछा मैग्नीट्यूड वाले टर्म्स में, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, वही माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड बोलते हैं, उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो को पता है माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल जेड होता है ना, इसको हम लोग माइनस उल्टा ट्रायंगल बी लिखते हैं, ठीक है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ये आपको शायद नहीं पढ़ना है, शायद क्या एनसीईआरटी में नहीं कहीं भी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये टर्म जानने में कोई बुराई नहीं थी, ठीक है, तो भले खाली इस टर्म के अलावा बाकी सब तो सही है, आपको कल ये एक्सप्रेशन दिया था तब तो सही होता है ना, जैसा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है तो सही है, ठीक है, वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये वर्ड इसको यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्यों, ऑप्शन तो सही है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, नहीं वो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, ये भी गलत, थर्ड ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अ यूनिट चार्ज वुड एक्सपीरियंस, सही है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोल सकते हैं फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, ठीक है, यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगी है, तो ए और सी करेक्ट है। ये तो 206, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 207। ये है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको एक्स वाई प्लेन पे रखा गया है एट दिस पॉइंट इज दिस मच एंड एट अ डिफरेंट पॉइंट इज दिस मच, ठीक है, तो आपको दो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज ओनली, है ना, तो आप सिंपल केस सोचो, आपके पास वन पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण अगर आपको दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो अगर उन दोनों डायरेक्शन को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो लोग कहाँ पर आके मिलेगा, चार्ज भी तो आके मिलेगा ना, अब जैसे देखो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इधर है, यहाँ पता है इधर है, तो इन दोनों को अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे भी तो वो लोग कहाँ पे मिल रहा है, उसी पॉइंट चार्ज में मिल रहा है ना, यानी पॉइंट चार्ज को पता करना है कहाँ पे है, तो उसके कारण जो दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके पता कर लो कहाँ पे कोइंसाइड करे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो
तो सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक पॉइंट चार्ज मतलब एक कौन सा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया कि 2.0, 2.0 यहाँ कहीं है और 3.3 यहाँ कहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है 3.3, ये पॉइंट है 2.0। 2.0 पे सपोज मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, कलर हाँ क्या लूँ ये। ठीक है, सपोज 2.0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, ये आँख पे लग रहा है ना, ये नहीं ये नहीं ये ठीक है। ठीक है, 2.0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है ना, और 3.3 पे आप अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा मान लो। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उनको क्या करो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, जहां पे मीट करेंगे वही लोकेशन हो जाएगा आपका पॉइंट चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज है इसलिए वो दिखाने के लिए प्लस साइन दे दिया हूँ ताकि याद रहे आप बस। ठीक है, थोड़ा कर्व्ड हो गया है वाला, लेकिन ये स्ट्रेट बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब इसका लोकेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए दो ट्राइंगल को देखना, एक ये वाला ट्राइंगल, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ यार, इतना खराब ड्राइंग क्यों बन रहा है, इसको मिटाओ ये वाला पार्ट। हाँ, यहाँ पे डॉटेड लाइन थोड़ा मुझे अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, मान लो एक ही डॉटेड लाइन है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करता हूँ है ना, एक तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये वाला। ठीक है, हाँ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है फिगर, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको समझ में तो आ गया कौन से, तो मैं खाली अब वोला फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जो अपने काम का है ना। ठीक है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया हुआ था ये। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं यहाँ पर वैसे। ठीक है, अब इसका एक्स और वाई कंपोनेंट ड्रॉ कर ले है ना। अब ये छोटा ट्राइंगल जो दिख रहा है, लेट लेट इसने भी ट्राइंगल वन, और ये बड़ा ट्राइंगल जो दिख रहा है ट्राइंगल टू, दोनों सिमिलर है, ट्राइंगल वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल टू। ठीक है, तो अगर मैं ये करूँ, इसका ई वाई और ई एक्स का रेशियो निकालूँ, और बड़े ट्राइंगल का सिमिलरली वर्टिकल, वर्टिकल कितना हो जाएगा इसका, ये पॉइंट याद रखना 3.3 है, तो ये लेंथ तो 3 है, और मान लो ये लेंथ एल है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ट्राइंगल वन का दो साइड्स का रेशियो वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, और ट्राइंगल टू का वही दोनों साइड्स का रेशियो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फोर क्यों लिखा मैं, सॉरी, ये दोनों सेम आएगा, सिमिलर ट्राइंगल का ही प्रॉपर्टी होता है ना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट एट 3.3, 3.3 में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना खतरनाक नंबर, इसका वाई कॉम्पोनेंट तो 27.2 × 3, और एक्स कॉम्पोनेंट है 7.2 × 4। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना आ गया, 4, याद रहेगा ये चीज़ है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में, तो एल आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ये तो 3 सेंटीमीटर, याद रखना इस पॉइंट का वाई एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, यानी ओरिजिन जहाँ भी हो, मान लो ये अगर ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता है 3 है। ठीक है, लेकिन टोटल आपको 4 चाहिए है ना, यानी ये आपका 1 होगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इतना, वाई कोऑर्डिनेट 0, समझ में आई बात। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है 3.0, ये पॉइंट तो 2.0 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज -2, गलत, आपको पता है चार्ज पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट तो -1.0 है ना, तो -1 होना चाहिए था, तो ऑप्शन 1 गलत है। द चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस, सही है, तो पहले से पता था हमें, द चार्ज पार्टिकल का वैल्यू है इतना। अब वैल्यू निकालने के लिए को चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल लो है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस क्रॉस पे, और उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यहाँ बहुत हौच पौच हो गया, तो मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, आपको डेटा तो दिया हुआ है ना, क्या डेटा दिया हुआ है, आप खाली एक्स एक्सिस को ही देखो, तो चार्ज पार्टिकल आपका -1 पे है, और एक पॉइंट दिया हुआ था 2.0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस आपको पता है 3 सेंटीमीटर है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करो, होती है क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁴। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इस पॉइंट पे, 100, 100 आई कैप में, तो 100 है ना, दिस इज इक्वल टू 100। तो इससे क्यू का वैल्यू निकालो, तो क्यू का वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो 10⁻⁷ आएगा, इसको आप 10 × 10⁻½ लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजन इज 9 वोल्ट। ठीक है, ओरिजन यहाँ है, ओरिजन और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो के क्यू बाय डिस्टेंस, ठीक है ना, एक ही तो चार्ज है यहाँ पे, तो एक ही टर्म आएगा पोटेंशियल का, है ना, तो के क्यू, क्यू कितना आया था, 10⁻⁷ बाय डिस्टेंस। तो इसको देखो आप, 9 वोल्ट तो आ रहा है। ठीक है, तो बी सी डी सही है इस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम में 207 था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 208। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आउटवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल है 100 और 75। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है ना, उसके सेंटर से डिस्टेंस नहीं बोला गया है, उसके सरफेस से बोला गया है 5 और 10, है ना। सपोज ये है 5 और ये है 10, ठीक है, जो भी है, मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बोला गया है, 100 वोल्ट, और इस पॉइंट पे 75 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पता है आउटसाइड पॉइंट पे तो ऐसा होता है, के क्यू बाय एक्स आपका 100 है और के क्यू बाय वाई आपका 75 है। ठीक है, के क्यू के कुछ आंसर, वाई बाय एक्स आपका 4/3 आया है ना। ठीक है, अब वाई का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है कि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, सरफेस से डिस्टेंस दिया हुआ था ना, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो y को मैं लिख सकता हूँ रेडियस प्लस 5 प्लस 10 सॉरी, और x को लिखूंगा रेडियस प्लस 5, x क्या हो जाएगा रेडियस प्लस 5 और y क्या हो जाएगा रेडियस प्लस 10, तो 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 4r प्लस 20, तो r का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता चल गया रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है, 10 सेंटीमीटर, इतना नाटक करके हमें सिर्फ ये पता चला है ना। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस पूछा है, ठीक है, वो तो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे, अब उसके लिए क्यू भी पता होना चाहिए, तो चार्ज भी निकालना जरूरी है क्या, हाँ मतलब बिना क्यू निकाले भी कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन चार्ज हमें निकालना है तो चार्ज निकाल ही लेते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, तो मैं जैसे इसको देखता हूँ है ना, इसमें पुट करूंगा तो के क्यू बाय एक्स, एक्स कैलू कितना होगा, एक्स कैलू आपको पता है, एक्स कैलू है आर प्लस 5, आर कितना था 10, मतलब 15 सेंटीमीटर है ना, यानी 0.15 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इससे क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 15/9 × 10⁻⁹, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 5/9 × 10⁻⁹, 5/9, 5/3 × 10⁻⁹, सही है, ऑप्शन डी तो सही है। ठीक है, एक बार चार्ज पता चल गया तो निकाल लेते हैं हम लोग क्या पोटेंशियल एट द सरफेस, सरफेस से पोटेंशियल निकालने के लिए के क्यू बाय आर यूज करते हैं। ठीक है, तो के है इतना, क्यू आया था 5/3 × 10⁻⁹, आप और कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हो पहले वाला डेटा को यूज़ करके, और रेडियस आया था, रेडियस कितना आया था 10 सेंटीमीटर, 0.1, ठीक है, रेडियस है 10। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये गया कितना आ रहा है 0.345 आ रहा है, 450 तो नहीं आना चाहिए था, 3 × 5 = 15, हाँ 150 वोल्ट आ रहा है, सॉरी 150। ठीक है, वही मैंने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया था, 20 सेंटीमीटर तो 75 है, 10 में 150 होगा, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो सेंटर से ये वाला पॉइंट जो कि y डिस्टेंस, y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू अगर आपको याद हो, y का वैल्यू था r प्लस 10, मतलब 20,
तो 20 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर अगर 75 है तो 10 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर, अगर दोनों पॉइंट आउटसाइड है तो मतलब इन्वर्सिव क्वेश्चन लगेगा ना, तो डिस्टेंस को डबल करेंगे तो पोटेंशियल हाफ हो जाता है, तो यानी यहाँ पे 150 होना चाहिए, तभी तो उसका हाफ 75 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर करके, ठीक है, या वो शॉर्ट में करना है तो ऐसे सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये तो पोटेंशियल ऑन द सर्फेस, यानी पोटेंशियल ऑन द सर्फेस डिवाइडेड बाय रेडियस, पोटेंशियल ऑन द सर्फेस कितना आया था 150 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना आया था 10 सेंटीमीटर, तो ये 1500 सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, आपको पता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 के क्यू बाय आर होता है, एंड के क्यू बाय आर इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑन द सर्फेस, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑन द सर्फेस है 150, तो ये सॉरी पोटेंशियल ऑन सर्फेस था, हाँ 150, 150 इंटू 3 बाय 2 होता है ना, हाँ 150 इंटू 3 बाय 2 आपको हो जाएगा 225, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी सही है, ये था 200 208।